लोग। तो गाइस हमने आपको पहले वाले पार्ट में एसजी की पूरी किट दिखाई थी, तो गाइस आज हम लोग जो है गाइस इसे वियर करके दिखाने वाले हैं, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस किट को अगर हम लोग वियर करके देखते हैं तो ये कैसी दिखती है। और गाइस हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाते हैं, हर चीज को गाइस कैसे वियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पैड, कोशिश करेगा अगर आपके पास कोई चेयर हो तो चेयर पे बैठ के या फिर कहीं पे ग्राउंड वगैरह पे बैठ के इसे पहने, जिससे यह कंफर्टेबली पहना जाता है, वरना गाइस ये उतर भी सकता है, आपके जो फुट है उससे अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें या तो इसे चेयर पे बैठ के पहने या फिर किसी चेयर जैसी चीज या फिर मैट पे बैठ के पहने, ग्राउंड वगैरह पे कभी भी खड़े होकर नहीं पहनना चाहिए हमें, ताकि गाइस अच्छे से फिट हो जाए। इसे कुछ इस तरह से पहनते हैं, इसमें लेस वाला सिस्टम नहीं है, इसमें ऐसे स्टिक करने वाला सिस्टम है, इसकी लेस में नहीं आते इस तरह से। अभी ये लग चुका है, ये लग गया है गाइस, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लग चुका है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक पैंट मैंने पहन लिया है, ऐसे दिखता है कुछ पीछे से, मैंने एक पैंट पहन लिया है, अब हम दूसरा भी पहनते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर पहन रहे हैं दोनों अपनी अपनी क्रिकेट कॉस्ट्यूम एक तरीके से हम कह सकते हैं, और तविश भी देखिए यहाँ पर पूरी पूरी मेहनत कर रहा है। तविश अभी आप थोड़ा पीछे हो या अभी रेडी हो? अच्छा अच्छा, अच्छे से पहन रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद देखते हैं। तो गाइस मैंने भी अभी एक पैंट पहन लिया है, जब आप पहने तो अच्छे से पहने तविश, इस तरह से गाइस आप, और गाइस जब आप रन अप ले रहे हो तो ना, तो गाइस ये हिल ना सके, इसलिए गाइस हम इसको टाइटली पहनते हैं। तो यहाँ पर जो लुक है वो तविश का कुछ इस तरह से है, और दैविक भी बस अभी रेडी होने वाले हैं। तो गाइस मैंने एक पैंट तो पहन लिया है, एक्चुअली थोड़ा इसको टाइम लगता है ना वियर करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, 5-6 मिनट लगता है इसे वियर करने में, बाकी सारी चीजें 1-2 मिनट में हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से नहीं पहनेंगे तो फिर वहां पर ये बिल्कुल आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा ना, और हिलते रहता है गाइस। सो गाइस हो चुका है हमारा जो पैड है वो हो चुका है रेडी, आई होप आप सबको भी विजिबल होगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जूम करके भी आपको दिखाने की। तो यहाँ पर दैविक जो है वो रेडी हो चुके हैं अपने पैड्स को पहन के, और तविश, तविश व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बताओ, हाय गॉड, हाय गॉड, हाय गॉड, अब मैंने भी ये दो पहन, और नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर आप लोग गाइस राइट हैंड से खेलते हैं तो आपको लेफ्ट पहनना चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंड से खेलते हैं तो आपको राइट में पहनना चाहिए। ओके, ये तो खैर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी ये बात, तो और गाइस इसको मैं यहाँ पे सिर, गाइस इसको यहाँ से, यहाँ से इसको इस तरह से, ओके पहना जाता है, इस तरह से पहना जाता है। तो गाइस देखिए काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, लेकिन बस इसको अगर इनको हैबिट हो गई इसकी तो फिर इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और इस वाले को बस यही से पीछे से घुमा के बांध सकते हैं। डेविड थोड़ा आप पास से दिखाएंगे इसको एक बार गाइस, जैसे कि मैं राइट हैंड से खेलता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे पहनूंगा, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट फुट है वो आगे जाता है, इसलिए यहाँ पे लगने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैं लेफ्ट फुट पे ही पहनूंगा। और गाइस नेक्स्ट है एल्बो गार्ड, ओके एल्बो गार्ड। तो जैसे कि गाइज हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम तविश जो है, दैविश जो है वो वियर करके दिखाएंगे आपको पूरा कॉस्ट्यूम, और यहाँ पर इन्होंने एक एक आइटम आपको देखिए दिखा रहे हैं, ये इस तरह से और यहाँ पर हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बने रहिए आप, क्योंकि हम यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो रिवील करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो क्या है।
तो गाइस लास्ट वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, हमने देखा लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का। गाइस तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना पहनना नहीं आता इनका, और ऐसे ऐसे करके पहनते रहते हैं। तो एक तरीका होता है इसे पहनने का, सबसे पहले इन दो इन सबको ऐसे ऐसे करके इनको ऐसे ऐसे करके टाई कर लो। इस तरह से टाई कर लेंगे पहले, ओके करके उसके बाद तो इसमें इजीली पहन सकते हैं डाल के। अच्छा, हम इसे इजीली पहन सकते हैं। गाइस नेक्स्ट चीज है हमारी ग्लव्स। ग्लव्स ओके, लास्ट वीडियो में भी हमने दिखाए थे कि ये ग्लव्स। और गाइस मैंने आपको ये पहन के भी दिखाए थे। गाइस देखिए थोड़ा टाइम लगता है। सो हम लोग सबसे पहले वन स्ट्रिप को खोल के इसे जितना टाइट करना चाहे उतना टाइट कर सकते हैं। और गाइस मैंने इस तरह से ग्लव्स पहन लिया। तो गाइस जब हम उसको पहनने का तो गाइस ये इस तरीके से दिखते हैं, इस तरह से। ओके तवेश, नेक्स्ट चीज है हमारी हेलमेट। और यहाँ पर देखिए तविश ने हेलमेट वियर कर लिया है, तो उसका लुक देखिए अभी हेलमेट पहनने के बाद। ओ तविश आप तो आज भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, आई होप हमारी ऑडियंस को भी आप दोनों बहुत अच्छे लगेंगे आज ये वियर करके। और देविक वेयर इज योर हेलमेट। अभी इस साइड में ग्लव्स पहनो। सो गाइस तविश ने जो है आपने एक गलती की है, सबसे पहले जो है हमें ग्लव्स नहीं पहनने चाहिए, सबसे पहले हमें हेलमेट पहनना चाहिए, उसके बाद हमें लास्ट में ग्लव्स पहनने चाहिए क्योंकि हमें दिक्कत होती है हेलमेट पहनने। हां बट अभी वो सिर्फ वियर करके दिखा रहा है तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि हम लोग। तो वो गाइस नेक्स्ट है हमारा हेलमेट, अब हम इसे पहनते हैं। गाइस अब हमने हमारा जो हेलमेट है वो रिवील कर लिया है। अभी हमारे टोटली जो सारे कटा हुआ एसडी है, बस ये जो गाइस है हेलमेट बीडीएम का है। ओके ये हेलमेट जो है वो बीडीएम का है, ये अलग से लिया है, किट के अंदर नहीं था तो ये आपको अलग से लेना होगा। और लास्ट चीज है हमारी बैट। और गाइस यहाँ पर दोनों जो है वो रेडी हो चुके हैं पूरे क्रिकेटर की तरह। और देखिए ये देखिए किस तरह से इन्होंने दिखाया आपको पूरा एसजी के किट को वियर करके दिखाया है पूरा। और देवी कभी कुछ बचा है या फिर ऑलमोस्ट हो गया है? सब हो चुका है गाइस। और यहाँ पर सेफ्टी के लिए एल गार्ड भी है, वो जब आप क्रिकेट वहाँ पर जाकर खेलते हैं तो वो वहाँ पर वियर करते हैं, आप पहन सकते हैं वहाँ पर वियर करेंगे। यहाँ पर कोई इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, हम लोग मतलब वियर करके नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से रेडी हो गया है एसजी के किट में। बस मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो इनके हेलमेट्स हैं वो एसजी के नहीं है, वो बीडीएम के हैं। तो यहाँ पर इनका पूरा जो है कॉस्ट्यूम विद एक्सेसरीज जैसे कि बैट बॉल ये सब हो गया, तो ये सब इसमें सारा ये एसजी का है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो थाई गार्ड है वो जो लेफ्ट से खेलते हो राइट में पहनेंगे, जो राइट से खेलते हो लेफ्ट में पहनेंगे। तो एल्बो गार्ड भी ऐसे ही पहनना चाहिए हमें, जो लेफ्ट से खेलते हैं वो राइट में पहनेंगे और जो राइट से खेलते हैं वो लेफ्ट में पहनेंगे। इनका जो कॉस्ट्यूम है वो एसजी नहीं है, वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अगर जैसे छोटे बच्चों को हम लोगों को खिलवाना है तो। सो गाइस जैसे कि हम लोग एसजी का ले, हमारी किट जो है ग्रीन कलर में आती है, लेकिन इसका जो सामान है वो एक दूसरे किट में भी आता है, एक इसमें जो है ग्रे वर्जन भी है। तो गाइस बहुत सारे वर्जन है गाइस। देखिए किस तरह से आज बच्चों ने आपको दिखाया पूरी तरह से वियर करके। और चलिए अब टाइम आ गया है इस एसजी किट का जो प्राइस है वो रिवील करने का। तो हम अभी रिवील नहीं, नो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। रविश और दैविक चलिए बता दें, क्या बता दिया जाए? नो अभी नहीं। तो गाइस इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है ईच किट 6000 रुपीस। बट इसमें यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें हेलमेट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, वो हमने अलग से परचेस किए हैं। यूनिफॉर्म जो इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है वो भी अलग से है। और गाइस जो दोनों किट है ना, तो गाइस दोनों किट मिलाकर गाइस 12000 की आई है। हाँ ये दोनों किट है मिलाकर 12000 की। और इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, एलगार्ड वगैरह यहाँ पर हमने इन्होंने यूज़ नहीं किया है तो वो सब भी उसमें था। आप लास्ट वीडियो हमारी जाकर देख सकते हैं, उसमें इन्होंने दिखाया हुआ है, छोटी से छोटी चीज़ भी इन्होंने शेयर की है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर वो वियर करना मतलब ज़रूरी नहीं था तो इन्होंने यहाँ पर वियर नहीं की। बाकी इस किट में यही है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देविश व्लॉग को।
और देविश की इंटरेस्टिंग हम क्रिकेट की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह से। तो देविश कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑल बाय बाय।